नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। करीब एक साल पहले जब खतरनाक कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था, तो मजबूरन मोदी सरकार को पूरे भारत में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ गया, जिसका असर कश्मीर घाटी में भी देखने को मिला, जहां पूरी तरह लगे लॉकडाउन के दौरान वहां की रेल सेवा भी रोक दी गई थी। लेकिन अब जब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, तो 22 फरवरी से मोदी सरकार ने श्रीनगर में एक बार फिर से रेल सेवा बहाल कर दी। यात्रा के लिए बेहद सहूलियत वाले साधन ट्रेन के फिर से चालू होने पर वहां के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कश्मीर के लोग मोदी सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं करीब एक साल बाद फिर से शुरू हुई रेल सेवा के बारे में वहां के लोग क्या सोचते हैं। मैं बेसिकली सोपो से बिलोंग करता हूं एंड आज मैं सोपो से यहां पे आया। बिजली आज मंडे थी, पहले तो मंडे थी, आज तो रश को अवॉइड करने के लिए पहले तो वो बात है। दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक का तो मसला रहता ही रहता है। दूसरी बात फेयर का, अगर हम देखें आज सोमो वालों का या जो हमारे टैक्सी ओनर एसोसिएशन है उनका, देखें फेयर कितना हाइक हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें वो देखने को मिलता है कि वो आज कम है यहाँ पे फेयर, इसलिए जो हम उसका रेगुलर इस्तेमाल करते करते आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स अ वेरी रिलीफ कोविड के बाद। एंड जब उनने डिसाइड किया ट्रायल रन के इस चीज़ के, तो बोला कि अब हम छोड़ेंगे इसको, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग हमारे लिए कि और कंफर्टेबल है हमारे लिए कि अब ये ट्रेन जो है सर्विस जो है हमारे लिए रिज्यूम हो गई। हाँ, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, जो सरकार ने ये कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो एक जो वक्त भी बच रहा है इस ट्रेन से, तो जैम से जो हम श्रीनगर से सोपोर जा रहे हैं इसमें जैम कम से कम आधा घंटा पौने घंटा लग जाता है, लेकिन ट्रेन की वजह से हमें बहुत आसाइश मिलती है। साथ ही मेरी एक गुजारिश भी है, मिलती है कि एक ट्रेन से कम नहीं चलेगा। अगर पैसेंजरों को राहत पहुंचानी है तो कम से कम 2-4 ट्रेनें चलनी चाहिए। आपको बता दें, मोदी सरकार ने कश्मीर के अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी करीब 35 पैसेंजर ट्रेनों की भी फिर से शुरुआत करने का ऐलान किया। हालांकि कोरोना नॉर्म्स के साथ यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे और इन पैसेंजर ट्रेनों में सफर करने वालों से मेल एक्सप्रेस का किराया वसूला जाएगा। कश्मीर में कोविड की वजह से बंद पड़ी ट्रेन सर्विस करीब एक साल बाद फिर से शुरू हुई, तो कश्मीरियों ने मोदी सरकार के इस कदम की खूब तारीफ की। आज हम हमारी तरफ से लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आज ट्रेन सर्विस हमने स्टार्ट की हुई है। अब हम पैसेंजरों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक तो वो मास्क पहना रखें और दूसरा कि सोशल डिस्टेंस रखा करें। अगर ट्रेन अरेवल बानहल 12 बजे है, 12 बजे पहुँचेगी। ये नहीं कि रोड, जैसे कि रोड 1 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन ये बिल्कुल पंक्चुअल है और राइट टाइम